नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी नेता उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की हत्या करना चाहते थे। अभिषेक टीएमसी के महासचिव भी हैं। ममता बीरभूम में चुनावी सभा संबोधित करने पहुंची थी। उन्होंने यहां कहा, गद्दारों में से एक ने कहा कि वो बम फेंकेंगे, यदि आप मुझसे वैर रखते हैं तो मुझ पर जितना चाहे बम फेंक दें, लेकिन अपने अभिषेक को मारने की कोशिश की। हालांकि हमें इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी। ममता ने कहा कि भाजपा ने अभिषेक के घर की रेकी भी की, उससे मिलने का समय भी मांगा। अगर अभिषेक ने उन्हें समय दिया होता तो वह गोली मारकर भाग गए होते। भाजपा उन सभी को मारना चाहती है या सलाखों के पीछे डालना चाहती है जो उनके खिलाफ बोलता है। ममता ने कहा कि भाजपा को अगर विश्वास है कि लोगों के वोट मिलेंगे तो उनको परेशान करने की क्या जरूरत है। 22 अप्रैल को कोलकाता पुलिस ने 208 के मुंबई हमलों से जुड़े एक व्यक्ति को पकड़ने की बात कही थी। बताया गया था कि वह युवक अभिषेक के आवास और कार्यालय की रेकी कर रहा था। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी घोषणा में कहा है कि हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा, एनआरसी और यूसीसी भी लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों को साल में 10 मुफ्त एलजीपी सिलेंडर देने और हर माह 5 किलो राशन मुफ्त देने की बात कही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरके ओब्रायन ने कहा कि केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।